इयमच्युतलीलाड्या सद्वृत्ता जातिशालिनी छंदसां मंजरी कांता सभ्य कंठे लगिष्यति। माधुर्यं स्यन्दयन्तीयम् माधुर्यं स्यन्दयन्तीयम् वारं वारं प्रहर्षिणी छन्दसां मञ्जरी भूयात् सर्वदैव हिताय नः। छन्दसां मञ्जरी भूयात् सर्वदैव हिताय नः। विगत पाठ में हम लोगों ने द्वादशाक्षरा वृत्ति में पांच छंदों के विषय में कुछ विचार किया था। सृग्विणी छंद के विषय में वृत्त रत्नाकर कार ने जो लक्षण दिया है उस पर कल चर्चा की थी। रश्चतुर्भिर्युता सृग्विणी सम्मता, किंतु छंदो मंजरी कार का जो लक्षण है वह है कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी राजभा कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी। ये छंद का लक्षण उन्होंने किया है। चतुरेफिका चार रेफों वाली, चार रगणों वाली जो वृत्ति है वो सृग्विणी है। कीर्ति तैषा चतुरेफिका सृग्विणी इन्द्रनीलोपले नैव या निर्मिता शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते नव्यमे गच्छविः पीतवासा हरेः मूर्तिरास्तां जयायोरसि सृग्विणी मूर्तिरासां जयायोरसि सृग्विणी। ये छंदो मंजरी कार का लक्षण कल मैं स्मरण कर रही थी लेकिन नहीं हो पाया, तो आज देख करके मैंने सोचा क्योंकि छंदो मंजरी के ऊपर चूँकि चर्चा हो रही है इसलिए उनके लक्षण को अवश्य ही कहना चाहिए। यह सोच करके मैं पुनः इसका पुनरावर्तन कर रही हूँ। अब जो है 13 अक्षर त्रयोदशाक्षरा पर आज विचार हम लोग करेंगे। और एक अब यहाँ पर जो है त्रयोदशा यहाँ जो अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी एकादशाक्षरा द्वादशाक्षरा में पूरे पर यति होती थी। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ। इसमें जो है पूरे पर हर 11वें पर यति होती थी, एक चरण में यति होती थी, और वहाँ 12वें में एक चरण में यति होती थी। सृग्विणी में एक चरण में यति होती थी। अब यहाँ यति के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाठ में विराम भेद यति विच्छेद आदि इसका यह अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए रुक मत जा, अब आप अगर यहाँ पर यति करते हैं रुक मत जा, तो इसका अर्थ हो जाएगा रुको रुक जाओ, रुक पर यति हो गई। और अगर कहें रुक मत जा, अब रुक मत में यति करने पर जो है उसका अर्थ बदल गया। उसी प्रकार से यहाँ भी जो है यति के विषय में कह रहे हैं क्वचित च
छंदः शास्त्रे यतिरभिहिता पूर्वकृतिभि पदान्ते वा शोभां व्रजति पद मध्ये त्यजति च। कहीं कहीं पर जो है विद्वानों ने जो है जो यति बताई है, पदांत में शोभा को प्राप्त होती है और पद के बीच में अगर यति कर दिया जाए, रुक जाया जाए, तो वह शोभा को त्याग देती है। पुनस्तत्रैव वासो स्वर विहित संधि शयतिताम। और यदि कहीं पर स्वर से विहित संधि है और बीच में यति हो रही है तो उसका आश्रय वो लेती है। उदाहरण क्या दिया, यथा कृष्ण पुष्णा त्वतुल महिमा माम करुणया। अब यथा कृष्ण पुष्णा तो अतुल है, पुष्णा तो अतुल है, लेकिन पुष्णा त्वतुल महिमा माम करुणया। यहाँ पर पुष्णा त्वतुल में स्वर संधि हो गई है, इसलिए यहाँ पर यथा कृष्ण पुष्णा पर यति हो जाने पर भी छंद की शोभा का त्याग नहीं होता है। यह जो श्लोक है, यह छंदोमंजरी के जो सुषमा टीकाकार हैं वो कह रहे हैं, अयम श्लोक छंदो गोविंदे मम गुरोह गंगादासस्य। यह श्लोक भी छंदोमंजरीकार जो हैं उन्होंने एक कोई छंदो गोविंद भी लिखा है, उनका ही है, गंगादास का ही है, और वो यति के बारे में ये बात बता रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने यति पूरे पूरे चरणों में बताई, ऐसा नहीं है कि यति नहीं बताई। जैसे एकाक्षरा से ही शुरू किया, एकाक्षरा में ही पहले में ही श्री ते सास्ताम, यहाँ यति है, एक एक अक्षर में है, फिर दो दो अक्षर में है, तीन तीन अक्षर में है, यह करते 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 12 अक्षर तक यति 12वें अक्षर पर आके गिरती है। और अब प्रहर्षिणी में 3 और 10 पर यति है, त्र्याशाभिर मन जरगा प्रहर्षिणीयम। अब त्रासा माने 3 और 10 पर यति होगी, इसमें क्या क्या होगा, म न ज र ग, म से मगण, न से नगण, ज से जगण, र से रगण और गुरु। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक मगण, एक नगण, एक जगण, एक रगण और गुरु होंगे उसे प्रहर्षिणी कहेंगे। अब 4 गण हो गए तो 12 ये हो गए, और गुरु होकर के 13 ये प्रहर्षिणी हो गई, और 3 और 10 पर यहाँ यति होगी, और यह त्रयोदशाक्षरा वृत्ति है। उदाहरण छंदोमंजरी का ही ये लक्षण है और उदाहरण दे रहे हैं, गोपीनाम अधर सुधार सस्य पानई रुत्तुंग स्तन कलशोपगुहनैश्च आश्चर्यैरपि रति विभ्रमैर्मुरारे संसारे मतिरभवत् प्रहर्षिणीः। कह रहे हैं कि गोपी नाम अधर सुधारसस्य पानी, गोपियों के अधर सुधारस का पान करने से और उत्तुंगस्तन कलोशो कलशोपगुहनैश्च उन्नत उरोजों के उरोज रूपी कुंभों के आलिंगन से आश्चर्यैरपि रति विभ्रमैर मुरारे, अद्भुत रति विलासों से क्या हुआ, मुरारे है मत संसारे मतिरभवत् प्रहर्षिणीः। मुरारी श्री कृष्ण की आनंददायिनी बुद्धि बन गई, इस संसार में श्री कृष्ण की आनंददायिनी बुद्धि बन गई। माने श्री कृष्ण का जो गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण की जो गोपियों के साथ की काम के लिए है वह संसार को आनंदित करती है। यह बहुत ही विलक्षण है, ये बात बड़ी विलक्षण है। गीत गोविंद के संदर्भ में ये बात समझ में आती है। गीत गोविंद में जितने भी गीत हैं सब श्री कृष्ण के केली परक गीत हैं। वो कहते ही हैं कि कूले रहह केलयह, कृष्ण के राधा माधवयोर निकुंज कूले रहह केलयह। तो श्री कृष्ण की जो यह केली है ये क्यों प्रहर्षिणी है, क्यों आनंददायिनी है, किसी साधारण व्यक्ति की जो केली है उसको देख करके जुगुप्सा होती है, अरे हटो क्या देखना है। यहाँ तक कि
आजकल फिल्मों में जो इस प्रकार से जो चित्र आते हैं उनको भी सभ्य लोग नहीं देखते हैं, फेसबुक में आती है उनको भी नहीं देखते हैं, उससे जो जुगुप्सा पैदा होती है, उससे रति पैदा नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण की जो गीत गोविंद है उसका जो है गान और ध्यान हर कृष्ण भक्त करता है। क्यों करता है इस पर थोड़ा एक रचना, जहाँ गंगा जी जब जाती हैं, रक्षत गंगाम में ही आया है, जब गंगा जी जाती हैं वहाँ आसनसोल, वहाँ जहाँ जयदेव का है नवद्वीप, नवद्वीप में जाती हैं तो वहाँ पर श्री गंगा जी क्या देखती हैं, राशेश्वर प्रचुर काम कलावितान गान प्रगान कुशल खलु विष्णु काम साक्षात् करोति सुकृति रसराज तत्त्वं देहि कथं न पुलकांचित रोमराजी। जब गीत गोविंद की, गीत गोविंद का हम लोगों ने एक बार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कराया था, 2 दिन का सब प्रयोग व्याख्यान था, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का व्याख्यान था और बच्चों ने जो है गीत गोविंद की नाट्य नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी और बहुत ही पूरे बनारस के नगर के सभी कलाविदों ने उसकी सराहना की। उस समय कराते समय जो अनुभव हुआ उसी को इस छंद में उपनिबद्ध किया है कि राशेश्वर के प्रचुर काम कला वितान को का आस्वाद लेने वाला जो सहृदय है वह विष्णु काम हो जाता है, उसकी कामना कामना नहीं रह जाती है, वह कामना विष्णु काम में परिणत हो जाती है, उसको उसके अंदर कहीं भी काम भावना जागृत नहीं होती है, राशेश्वर के काम कला वितान को देख करके अपार रसराज की अनुभूति होती है, रसराज का आस्वाद होता है श्रृंगार का, लेकिन स्वयं हृदय विकृत नहीं होता है। ये विशेष, ये जो है इसकी विशेषता है कृष्ण की काम क्रीड़ा का, क्योंकि वहाँ पर का जो काम है वह उन्होंने जो क्रीड़ा की है वो तो काम पर विजय प्राप्त करने, मार विजय उसका उद्देश्य है, रासलीला का उद्देश्य तो मार विजय है, काम वहाँ मूर्छित हो जाता है, वहाँ काम है ही नहीं, काम माने स्वयं की चाह, स्वयं की चाह वहाँ है ही नहीं, स्वयं की चाह चाह जो है उसका लय हो जाता है कृष्ण के माधुर्य में, कृष्ण के सौंदर्य में, कृष्ण के प्रेम में उस चाह का लय हो जाता है और तत्सुख सुखित्व में पर्यवसान हो जाता है, हृदय की चित्तवृत्ति का कुछ चाहने की वहाँ इच्छा नहीं है, एकदम हृदय द्रुत गति से बहता है और अंदर अगर अनुभव किया जाए तो लगता है अमृत का रस हिलोर ले रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ये अपना अनुभव है जो बता रही हूँ। तो इस प्रकार की जो गोपियों के अधर सुधारस के पान और उनके उत्तुंग स्तन कलशों में उपगुहन और उनके उनका जो मुरारी का रति विभ्रम है इस संसार में आनंददायिनी बुद्धि को प्रदान करता है, जो श्री कृष्ण के ऐसे क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं उसका रसपान करते हैं वो कृष्णमय हो जाते हैं, उनको काम बाधा नहीं सताती है, ये बात कह रहे हैं और स्वयं भी भक्तों ने इसका अनुभव भी किया है, इसी बात को ये कह रहे हैं। ये प्रहर्षिणी है, प्रहर्षिणी छंद जो है वह कविकुल गुरु को भी बहुत पसंद है और सर्ग का अंत इसी छंद से उन्होंने किया है रघुवंश में, निर्दिष्टाम कुलपतिना सपर्णशालाम अध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीय तत्शिष्याध्ययन निवेदितावसानाम संविष्टः कुशशयने निशाम निनाय। ये उस समय का वर्णन है रघुवंश का के प्रथम सर्ग का अंतिम छंद है ये, इससे उन्होंने सर्ग को अंत किया है। तो कह रहे हैं कि जब वह वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी संतान नहीं है इसलिए
संतान न होने से इस लोक में भी हमको कोई सुख नहीं है और परलोक का भी कोई कल्याण नहीं है, तो प्रभु मेरी उपाय बताइए कि मुझे संतान हो, मेरा वंश चले। तो गुरु वशिष्ठ ध्यान करते हैं और ध्यान करते ही उनको पता लगता है कि इसकी संतान न होने का कारण क्या है। और उसी समय जो है गाय चढ़ करके कामधेनु की पुत्री नंदिनी जंगल से लौट के आती है, तो वो कहते हैं कि ये जो है तुम्हारी उपस्थिति यम कल्याणी, ये कल्याणी जो है उपस्थित हो गई है तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। और वन्य वृत्ति मीमाम शाश्वत अनुगमनेन च विद्याम अभ्यसनेन एव प्रसादयितु अर्हसि। कहते हैं कि तुम जो है वन्य वृत्ति धारण करो, तुम राज्य के सिंहासन पर बैठ के इसको नहीं प्रसन्न कर सकते हो और जिस प्रकार से यह वन में चरती है उस प्रकार तुम भी इसके पीछे पीछे वन में विचरण करोगे और वन्य वृत्ति धारण करोगे। वन में जो होता है कंदमूल फल उसको खा करके अपना व्रत करोगे और उसके बाद जो है इसका निरंतर इसका अनुगमन करोगे। तो जिस प्रकार विद्या जो है अभ्यास से प्रसन्न होती है, जितना अभ्यास आप विद्या का करेंगे उतना रस आपको मिलेगा, अंदर से रस निकलता है जैसे विद्या का अभ्यास करने से। छंदोगान का ही छंदो पाठ का ही अभ्यास बारंबार करिएगा तो उससे रसोत्पत्ति होती है। तो विद्याम अभ्यसनेन एव, विद्या का अभ्यास करने से जिस प्रकार विद्या अभ्यास के द्वारा विद्या जो है प्रसन्न होती है, एकदम खिल करके सामने आती है, सरस्वती सामने प्रकट सी होती हुई प्रतीत होती है अभ्यास के द्वारा, उसी प्रकार तुम इसको प्रसन्न करो तभी तुमको यह इसी के वरदान से तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यहाँ पर तब क्या हुआ, निर्दिष्टाम कुलपतिना, तब कहा कि अब आए हो उतनी दूर से चल करके आए हो, थकान लगी है दोनों को, तो पर्णशाला बताई। निर्दिष्टाम कुलपतिना स पर्णशाला, पर्णशाला में गए, कोई उनके लिए बहुत बड़ा 5-स्टार होटल बनाने का तब नहीं था, तो पर्णशाला में उनको कहाँ बैठे, अपनी पत्नी के साथ। अध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीय हैं, उस पर्णकुटी में क्या किए, अपनी रानी के साथ बैठे, रानी के साथ किस पर, कुश शयन ए, कुश की चटाई पर, कुश की चटाई उनको सोने के लिए मिली। और जब प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त की वेला में शिष्य अध्ययन करने लगे, वेद का पाठ करने लगे, तब तत्शिष्याध्ययन निवेदिता वसानाम, तब उनको यह पता लगा कि रात्रि का अवसान हो गया है। शिष्य सब उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि करके अपना आसन जमा करके उसके बाद जो है जब वो वेदों का पाठ करने लगे, स्वर सुनाई देने लगा, उद्घोष सुनाई देने लगा वेदों का, तब उनको ये पता लगा कि रात्रि अवसान हो गया है, हं प्रभाता रजनी, प्रभात हो गया है, हैं। तो इस प्रकार से ऐसी चटाई पर करके उन्होंने अपनी निशा को निनाया, रात को बिताया। इस प्रकार से पर्णशाला में दोनों पति पत्नी जो है रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप पर्णशाला में रहने लगे। और जब प्रातःकाल हो गई, जब शिष्यों का अध्ययन आरंभ हो चुका था ये ज्ञात हुआ, तदनंतर अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनोर्धेनु मृषेर मुमोच। अब और कहीं नहीं गए वो, उनको जो गुरु मंत्र यही मिल गया था कि तुमको इसकी सेवा करनी है, तो जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया ने रानी सुदक्षिणा ने गंधमाल्य इत्यादि लिया था और उसका बछड़ा जो था वो दूध पी चुका था, दूध दूह लिया गया था बाकी यज्ञ के लिए, और छोटा जो बच्चा था उसको दूध पिला दिया गया था, दूध पिला के स्थान पर बांध दिया गया, नहीं तो वो भी पीछे पीछे चल देता माँ के। ऐसे ऋषि की धेनु को यशोधन
राजा ने मुमोचा मने खोल करके छोड़ा, कहाँ जाने के लिए, वन में जाने के लिए। और आगे आगे वो गई, पीछे पीछे वो उनके वन की ओर चले। तो यह जो प्रथम सर्ग है इसका समापन कविकुल गुरु ने प्रहर्षिणी छंद से किया है। अब दूसरा अब ऐसा है कि अगर छंदोमंजरी का अवलोकन किया जाए तो छंदोमंजरी में बहुत छंद हैं। अगर एक एक छंद का अध्ययन किया जाए और एक एक छंद के बारे में चर्चा की जाए तब तो सालों बीत जाएगा, नहीं पूरा होगा। और दूसरी एक क्या बात है कि प्रमुख प्रमुख मुख्य छंद हैं, जो बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित हैं। अगर उन छंदों का पाठ अच्छी प्रकार से आ जाए, कुछ ही छंद सही, उन छंदों का एक अक्षर से लेके हम लोग एक विंशति अक्षरा तक तो जाएंगे ही, 21 अक्षर तक, इतने छंदों को भी अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लिया जाए तो अन्य छंदों का पाठ स्वयं ही आ जाएगा। जो छंद फिर खोजने होंगे, जिन छंदों के बारे में होगा, वो छंदोमंजरी से ढूंढ करके फिर किया जा सकता है। इसलिए अब विशाल व्यापक महान गहन सागर में जाने का न समय है और न उतना सामर्थ्य है, इसलिए प्रमुख प्रमुख छंदों को ही लिया जा रहा है। तो एक प्रहर्षिणी छंद को हम लोगों ने लिया और त्रयोदशाक्षरा में फिर रुचिरा छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कह रहे हैं जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही जभान भान ससलगा जभान गा। रुचिरा छंद के प्रत्येक चरण में जगण भगण सगण जगण और गुरु होते हैं, और इतना करने पर ये भी तीन अक्षरों की 13 अक्षरों की हो जाती है। तो ये रुचिरा रुचिरा करके जो छंद है उसको देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं। अब यह रुचिरा में कहीं यति नहीं दिखाई है, 13 पर ही यति है यहाँ। पुना तुओ हरि रति स्रास विभ्रमी परिभ्रमन ब्रज रुचिरांगनांतरे समीरण उल्लसित लतांतराल गो यथा मरुतरल तमाल भूरुह। कह रहे हैं कि जो हरि जो हैं कैसे हैं, अति रास विभ्रमी हैं, रास में अत्यंत निपुण हरि हैं। वो क्या कर रहे हैं, समीरणोल्लसित लतांतराल गो, वायु से हिलती हुई लताओं के मध्य में जाकर कर परिभ्र मरुतरल तमाल भूरुह, पवन से चंचल तमाल तरुओं से युक्त होकर क्या कर रहे हैं, ब्रज गोपियों के साथ में ब्रज रुचिरांगनांतरे ब्रज गोपियों के बीच में घूम रहे हैं। ब्रज गोपियाँ चारों ओर हैं, हरि एक ही हैं, उनके बीच में वो जब राज करते हैं तो इसी प्रकार भ्रमण करते हैं। ऐसे जो श्री हरि हैं वह पुनातु तुम सबको पवित्र करें, ऐसे राशेश्वर श्री कृष्ण तुम सबको पवित्र करें, जो रास में अत्यंत निपुण हैं और समीर के से हिलती हुई लताओं के मध्य पवन से चंचल तमाल तरुओं से युक्त ब्रज में गोपियों के बीच घूमते हुए तुम्हें पवित्र करें। ये तो छंदोमंजरी कार का उदाहरण है और रुचिरा का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है कविकुल गुरु का अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महती महीयताम ममापि चक्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्म भूः। यह जो है भरत वाक्य है किसका, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, शकुंतला का। कह रहे हैं प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, राजा सदैव
प्रकृति के हित के लिए प्रवृत्त हो, सदा प्रजा की भलाई में लगे रहे। और सरस्वती श्रुति महती महीयताम, विद्वानों की जो श्रुति है वह उसका सर्वत्र, विद्वानों की वाणी का सर्वत्र आदर हो। और ममापि च क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवः परिगत शक्तिरात्मभू, चारों ओर अपनी शक्ति को फैलाने वाले आत्मभूः महादेव, स्वयंभू महादेव जो हैं, वे इस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरा पुनर्जन्म पुनः न हो। नील लोहित भगवान देवाधिदेव महादेव मेरा पुनर्जन्म अब न होने दें, अर्थात मुझे आत्यंतिक मोक्ष प्रदान करें। यह भरत वाक्य है उनका, कवि कुल गुरु का। और एक त्रयोदशा में एक और छंद के बारे में चर्चा करते हैं। अनेक छंद हैं, ये कह रहे हैं कि त्रयोदशा अक्षरा के 8 भेद हैं बता रहे हैं। एक छंद और है मत्त मयूर, वेदैरन्धै मतौ यसगा मत्तमयूरम, कह रहे हैं कि मत्तमयूर, ये मा है मगण तगण यगण सगण और गुरु, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण हो तगण हो फिर यगण हो सगण हो और गुरु हो, उसको मत्तमयूर छंद कहते हैं। करें लीला नृत्यन्मत्तमयूरध्वनिकान्तम्, नृत्यन्नीपामोदिपयोदानिलरम्यम्, रासक्रीडाकृष्टमना नागोपवधूभिः, कंसध्वंसी निर्जनवृन्दावनमाप। यह मत्तमयूर छंद है। इसमें भी यह कह रहे हैं लीला नृत्यन, लीला पूर्वक नृत्य करते हुए मत्त मयूर के समान, मत वाले मयूर के समान ध्वनि से जो अत्यंत कांत हैं, और नृत्यन नीपा मोदी पयोदा नील रम्यम, और नृत्य करते हुए नीप मने कदम्ब, कदम्ब का आमोद सुगंध, और पयोद बादल और अनिल से युक्त, रासक क्रीड़ा कृष्ट मना, जो राज क्रीड़ा में आकृष्ट मन वाले हैं ऐसे गोप वधु भी, गोप वधुओं के साथ कंस ध्वंसी निर्जन वृंदावन माप, कंस को मारने वाले श्री कृष्ण निर्जन वृंदावन में आए, ऐसे वृंदावन में उन्होंने राज की जहाँ जन सम्मर्द नहीं था, जहाँ पर एकांत निभृत एकांत था, क्योंकि रास जो है इनकी रास जो है वो योग है, ये तो योगेश्वर हैं, योगेश्वर का जो रास है वो योग है, तो उस योग को लेने के लिए, उस योग को समझने के लिए निर्जन तो चाहिए, उस योग के उस रस का आनंद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग में जो बहुत ही भागवत के मर्मज्ञ हैं प्रोफेसर बिंधेश्वरी प्रसाद मिश्र, वो कहते हैं कि प्रस्थान त्रयी के बाद चतुर्थ प्रस्थान है श्रीमद् भागवत, उसे रसप प्रस्थान बताते हैं। तो उस वह जो रसप प्रस्थान है, रास का जो रसप प्रस्थान है, रास का जो मर्म है, उसको समझने के लिए योग की ही आवश्यकता है, एकांत की ही आवश्यकता है, इसलिए निर्जन वृंदावन माप ये कह दिया। ये इतने ही हम त्रयोदशाक्षरा में इतने ही छंदों के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि यह प्रमुख छंद हैं। और अब चतुर्दशाक्षरा में अत्यंत प्रसिद्ध छंद आप लोग जानते हैं, गेयम वसंत तिलकम तभजाज गौगह, तारा जभान सजभान जभान गागा। 14 अक्षर हैं इसमें, और 14 ही अक्षर में यति भी होगी, तो इसको वसंत तिलका कहते हैं। वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण जगण और गुरु होते हैं। ताराज
भान सज भान जभान गागा फुल्लम वसंत तिलकम तिलकम वनाल्या लीला परम पिककुलम कलमत्र रौती वात्येश पुष्प सुरभिर्मलयाद्रिवातो यातो हरिः स मथुराम विधिना हतास्मः। जो राशेश्वर से रास क्रीड़ा से सबको आनंद के परम परम रहस्य को समझाते थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म, आनंद अपने सत चित आनंद स्वरूप को, आनंद स्वरूप को अधिक स्फुट करते थे रासलीला में। वे फुल्लम वसंत तिलकम तिलकम वनाल्या, वनमाला के तिलक के समान वसंत ऋतु में तिलक तिल का पुष्प खिल गया। लीला परम पिककुलम कलमत्र रौती, तो लीला पर क्रीड़ा में रत जो पिककुल है, कोकिलों का जो समूह है, वह पंचम स्वर में अपना गान आरंभ कर रहा है। वात्येश पुष्प सुरभिर्मलयाद्रिवातो, पुष्प पराग से अत्यंत सुगंधित मलयाचल का शीतल मंद सुगंध समीर भी बह रहा है। ऐसे वासंतिक समय में हरि ही मथुराम यातः, हरि मथुरा को चले गए। विधिना हतास्मः, हम लोग विधि से भाग्य के द्वारा मारे गए हैं। तो यहाँ पर भगवान के श्री हरि के मथुरा चले जाने के बाद जो विशिष्ट योग उन्होंने दिया, वियोग के द्वारा, विशिष्ट योग के द्वारा गोपियों ने कहा, ऊधो मन न भयो दश बीज, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। एकदम पुनः उनके श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर उन्हें कुछ भी सूझा नहीं, ऐसा योग उनको दे करके गए, क्योंकि महायोग का दर्शन तो रासलीला में उन्होंने करा दिया था। जिसको रासलीला के महायोग का दर्शन हो जाएगा, वह पुनः विशिष्ट योग को ही धारण करेगा, जिसको कि वियोग कहते हैं। उस इसी के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। और कवि कुल गुरु वसंत तिलका के बहुत ही भक्त हैं। यात्ये कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतोरुणपुर सर एकतोर्कः, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। ये उन्होंने मैंने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है, प्रातः काल कैसे हो रहा है, एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है तो दूसरी ओर सूर्य का उदय हो रहा है, एक तेज का व्यसन हो रहा है, दूसरे तेज का आविर्भाव हो रहा है, यह कह करके एक बहुत ही बड़े सत्य को लोक के सामने रखा है और लोक से कहा है कि इस महासत्य से संपूर्ण संसार नियंत्रित है। कस्यैकान्तं सुखमुपनीतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च चक्रनेमि क्रमेण। यह कह करके मेघदूत में भी संदेश भिजवाते हैं कि किसी को भी सदा दुख और किसी को सदा सुख नहीं होता है, सुख और दुख चक्र के आरे के समान हैं, कभी सुख ऊपर की ओर जाता है तो दुख नीचे की ओर जाता है, कभी दुख ऊपर की ओर जाता है तो सुख नीचे की ओर चला जाता है। इस रहस्य को उन्होंने समझाया। यह जो अब ये चतुर्दशाक्षरा में वसंत तिलका को ही लिया है और पंचदशाक्षरा में बहुत ही प्रसिद्ध छंद है मालिनी, उस मालिनी छंद को ले रहे हैं।
नाना मायायुते यम मालिनी भोगी लोकै नाना मायायुते यम मालिनी भोगी लोकै। ये मालिनी जो है भोगी और लोक, भोगी माने आठ और लोक माने सात, लोक सात हैं तो आठ पर और सात पर यति होगी। आठ और सात पर यति होगी और नगण नगण मगण यगण और यगण, ये गणों की संरचना उसमें जाएगी। नगण नगण मगण यगण यगण से जब एक चरण बनेगा तो मालिनी होगी। नाना मायायुते यम मालिनी भोगी लोकै नसल माता राय माता या माता। आठ पर यति है इसलिए मातारा का माता के बाद यति कर देनी है श्वास से। नसल नसल माता राय माता या माता। मृग मद कृत चर्चा पीत कौशेय वासा रुचि रशिखी शिखंडा बद्ध धम्मिल पाशा अनृजु निहित मनसे वंश मुत्क्वाणयंती धृत मधुरी पुलीला मालिनी पातु राधा। कहा मृग मद कृत चर्चा, श्री राधा जी ने क्या किया है, मृग मद से कस्तूरी से चर्चा अपने को सजाया है और पीत कौशेय वाचा पीले रेशमी वस्त्रों को पहना है और रुचिरा शिखी शिखंडा अपने केश पाश में क्या लगा लिया है, मोर के पंख को लगा लिया है और फिर धम्मिल पाशा और केश पाश को जो है धम्मिल माने जूड़ा बना लिया है उसका, जूड़ा बना करके और उसके ऊपर खोस लिया है मोर के पंख को। अनरिजु निहित मन से और कंधे पर तिरछी बांसुरी रख करके जैसे भगवान ऐसे टेढ़े होकर के बजाते हैं, बजाती हुई क्या कर रही है, धृत मधु रिपु लीला उनकी नकल उतार रही है। बच्चे बड़ी नकल अपने अध्यापक की उतारा करते हैं तो वो भी मधु रिपु की नकल उतार रही हैं, लीला कर रही हैं अर्थात स्वयं मुरारी बन जा रही हैं। क्या कर रही हैं, मृग मद कृत चर्चा, पहले वो अपने वो लगा रही हैं कस्तूरी, कस्तूरी लगा रही हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले क्या है, नासाग्रे गजमोक्तिकम वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यह है ना, तो इसी की नकल वो मार रही हैं। क्या कर रही हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले तो मृग मद कृत चर्चा, कस्तूरी का तिलक लगा रही हैं। जैसे भगवान कस्तूरी का तिलक लगाते हैं वैसे वो भी कस्तूरी का तिलक लगा रही हैं और पीताम्बरधारी तो प्रभु हैं ही हैं तो वो भी यद्यपि भगवती नीलाम्बरा हैं तथापि अभी कृष्ण बनने के उसमें है इसलिए पीला वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया और जो उन्होंने अपना जूड़ा बनाया है उसमें मोरपंख खोस लिया है और माला को पहन लिया है ना, और फिर ऐसे बांसुरी बजाते हुए जो है वो श्री कृष्ण की लीला कर रही हैं। धृता मधुरी पुलीला मालिनी पातु राधा, माला भी पहनी हुई हैं इसलिए ऐसी मालिनी जो मालाधारी हैं वो राधा हमारी रक्षा करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
आगे का तो हम भूल जा रहे हैं। कस्तूर नासाग्रे गजमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। कंठे कंठ में जो मुक्तावली पहनी है तो राधा ने भी मालिनी, राधा ने भी माला पहनी है। ऐसी जो राधा हैं वो पातु हमारी रक्षा करें। तो ये क्या है, नाना मयुतेयम मालिनी भोगी लोकई नासाला माता राय माता या माता। महाकवि ने मालिनी का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धे न प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम शस्तैरर्धावलीढ़ै शम विवृत मुख भ्रंशिभिर् कीर्ण वर्त्मा पश्योदग्र प्लुतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। ऐसे दौड़ते दौड़ते हुए घुस गया हिरण अपने को बचाने के लिए, भैया चलो बहुत अब बाण गिरा तब गिरा करके घुस गया अंदर आश्रम में। वहाँ से एक स्वर उठा, न खलु बाण सन्निपात्योयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे तूलराशा विवाग्निः क्वबत हरिणकानां जीवनं चातिलोलं क्वच निशित निपाताः वज्र साराः शरास्ते। भो राजन् आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसको मत मारो मत मारो। इस पर बाण इस मृग के, इस कोमल मृग के शरीर में तुम्हारे ये तीखे बाण उसी प्रकार से प्रतीत होंगे जैसे रुई के ढेर में अग्नि लगते ही तत्काल वह समाप्त हो जाती है। वैसे ही एक बाण अगर इसके शरीर में पड़ जाएगा तो इसका प्राणांत हो जाएगा। कहाँ तो हिरणों का जो जीवन है अत्यंत कोमल है और कहाँ वज्र से के समान कठोर तुम्हारे ये बाण हैं। राजन, जरा तुम विवेक से तो काम लो कि किसको तुम मार रहे हो। महाकवि ने इस मालिनी छंद के द्वारा युग की चेतावनी दी है, पर्यावरण रक्षा की चेतावनी दी है। अगर हम इसी प्रकार निर्दयी होकर के पर्यावरण के ऊपर ऐसे ही वज्र प्रहार करते रहेंगे जैसा दुष्यंत ने हिरण के ऊपर करने का प्रयास किया था तो मानवता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, मानवता की सत्ता नहीं रह पाएगी। महाकवि बहुत पहले हम लोगों को चेता रहे हैं। जो आज हम लोग प्रकृति के साथ इतना क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, अमृत जल की संवाहिनी माँ गंगा को हमने विष संवाहिनी शव ढोने वाला नाला बना दिया है, अब क्या वो रहेगी। हम लोग इतने दिन से कम 20 साल से चिल्ला रहे हैं गंगा जी के लिए, रक्षत गंगा मातरम करके 3:30 रात को यह जो गंगा गीत है ये हृदय से निकला है। और ये गंगा मातरम रक्षत गंगा मातरम पठत पुराणे लिखितं वचनं चतुर्दशानां तटे वर्जनम् अघहारिण्यै अघं न देयं प्रियकारिण्यै
प्रियां प्रदेयां राक्षत अमलां राक्षत विमलां राक्षत स्वच्छ जलां मातरं गंगां मातरं। ये केवल हम कराहते ही रह गए, लेकिन गंगा दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन इस बार तो बिल्कुल ही शवों से पट गई माँ गंगा। युग की पुकार है, जिसके घर में शव रहेगा वो अपने शव को घर में तो रखेगा नहीं, क्या करेगा, माँ गंगा के ही किनारे ले जा करके वहीं जाके पाट के वहीं करके अपना छूत छुड़ा के आ गया। बाकी माँ तुम ही संभालो, हम क्या करें। तो अब ऐसी स्थिति में गंगा कहाँ रह सकती है, ऐसी स्थिति में प्रकृति कहाँ रह सकती है, ऐसी स्थिति में मृग कहाँ रह सकते हैं। वो तो मृदुनि मृग शरीरे तूल राशा विवाग्नि है, तो हो ही रहा है। तो इस जो पर्यावरणीय चेतना है, इसको महाकवि ने बहुत पहले ही कह दिया था, और जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन जितनी बार हम लोग कहे जा रहे हैं उतनी बार गंगा जी दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही हैं। श्री गंगा का रुदन रक्षत गंगा में बहुत ही कोमलता से आया है, बहुत ही मैंने दुखद है। और श्री भगवान कहते हैं, उसका समाधान देते हैं कि तुम रो मत, अलम अलम प्रिय, कामचारिणी छंद में ये गोपी गीत के छंद में बना है, अलम अलम प्रिय क्रंदने नते जहि न धीरताम देवी सुब्रते समय चक्रमे तद विलक्षण विपरिवर्तते भूतले निशम। फिर वो समझा रहे हैं कि तुम दूषित नहीं हो रही हो, चिति तरंग मालारितं भरे तव जटा सुमे सुप्रवाहिता तव नित्यता बाधिता क्वचित कथम तो सिदीना प्रदूषिता। मेरे जटाओं में तो तुम्हारी चैतन्य तरंग निरंतर बह ही रहे हैं, तुम नहीं दूषित हो रही हो, लेकिन सुमुखी पंचभूतेषु दूषिते स्वपि चितिहि परा नैव नश्यति फलमवश्यमेव स्वकर्मणः। फलमवश्यमेव स्वकर्मणः। मानव जो खल मानव है अपने कर्म के फल को अवश्य ही प्राप्त करेगा। पंचभूतों के दूषित होने पर परासंवित दूषित नहीं होएगी, तुम तो परासंवित हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना तुम्हारा बिगड़ेगा ना मेरा बिगड़ेगा। मैं तो अपनी जटाओं में तुमको छिपा के रखा ही हूँ, एक धारा से छोड़ा हूँ भूमि पर। भूमि वालों को अगर इतनी वो नहीं है, इतनी उनकी योग्यता नहीं है कि वो तुम्हारे जैसे अमृत को अपने लिए सुरक्षित रखें। जो अपना भला नहीं कर सकता तुम्हारा भला क्या करेगा। ये खल मानव अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा, और जब उसको तुमको अमृत को विष बना देगा तो विष पिएगा, पी पी के मरेगा, पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम चिंता मत करो। भगवती बहुत क्रंदन करती है, उसका वर्णन वहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से जो है श्री गंगा जी को के लिए आवाज़ उठी, लेकिन जितनी जितनी आवाज़ उठी उतनी उतनी गंगा जी दिन पर दिन मैली की मैली होती ही जा रही हैं, होती ही जा रही हैं, होती ही जा रही हैं। पता नहीं उनकी क्या गणित है, उनकी क्या इच्छा है, प्रभु की क्या क्या मर्जी है, ये तो वही जानते हैं। हम लोगों को तो केवल फल भोगने के लिए अब तैयार हो रहना है। अब यह सोचना कि हम बहुत वह ऊँचा पद पा जाएंगे, हम बिल्कुल विश्व के सम्राट हो जाएंगे,
हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, हम हो गया, बिल्कुल बेकार है। हम स्वस्थ रह जाएं वही बहुत है, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, ना हम स्वस्थ रहेंगे, ना हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, ना हमारी पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। हमने जो बीज बोए हैं, जो बीज बोया है, उसका फल तो हमको मिल के ही रहेगा। इसी बात को वो कह रहे हैं, न खलु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे तूल राशा विवाग्निः क्वबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वच निशित निपाताः वज्रसाराः शरास्ते। आज हम लोग पंचदशाक्षरा वृत्ति तक ही इस पाठ को रखते हैं, कल षोडशाक्षरा, फिर सप्तदशाक्षरा, अष्टादशाक्षरा तक की बात करेंगे और आगे कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से जो प्रमुख प्रमुख छंद हैं, उन छंदों का अच्छे प्रकार से अभ्यास करके हम फिर कोई भी छंद हमारे सामने आएगा, हम उसको पढ़ सकेंगे, हम उसको गा सकेंगे, हम उसको अच्छी प्रकार से उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे, आप लोग कुछ इससे लाभ प्राप्त कर पाएँ, तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रयत्न सार्थक हुआ। अन्यथा यदि कुछ कमी रह गई, कुछ न्यूनता रह गई, तो उसके लिए मैं अपने दोष को स्वयं ही स्वीकार कर रही हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।